मैं श्रेया शुक्ला, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। जो राम मंदिर जाएगा वो मुसलमान बनकर बाहर आएगा। जी हाँ, ये कहना है जावेद मियादाद का। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर पहले ही अपने प्रदर्शन के लिए जाने जाते थे, आजकल हिंदू विरोधी बयान के लिए जाने जाते हैं। इनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। दाऊद के समधी हैं, जी हाँ, दाऊद इब्राहिम के ये समधी हैं और बेहद इनका कनेक्शन जानते ही हैं कि अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ इनका कनेक्शन है। इस तरह से बेबाकी से ये कुछ भी कह देते हैं, हिंदू विरोधी बयान देते हैं। इस बार फिर से इन्होंने बयान दिया है, बयान सीधे तौर पर राम मंदिर पर दिया गया है, वही राम मंदिर जो हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। तो राम मंदिर ये संघर्षों का नतीजा है जो हिंदुओं ने किया। आज राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा राम मंदिर में सजाई जाएगी। तो इस तरह से हिंदुओं को इंतजार है उस दिन का, उस पल का। लेकिन उससे पहले एक वीडियो वायरल हुआ है जो बेहद हैरान करने वाला है। ये वीडियो है जावेद का। ये जावेद, उन्होंने जो भी कुछ कहा है लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि जो भी मंदिर में जाएगा वो मुसलमान बनकर जाएगा। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? उनका मानना है कि पीएम मोदी ने भले ही ऐसा करा दिया हो, लेकिन वहां पर अभी भी मुसलमानों का वो प्रतीक है और वहां पर जो भी जाएगा वो मुस्लिम बनकर वापस आएगा। ये कहना है जावेद मियादाद का, जो कि दाऊद इब्राहिम के ये समधी बताए जाते हैं। दाऊद की बेटी मारुख इब्राहिम की जो शादी हुई है इनके बेटे जुनैद से हुई है। इस तरह से इनका कनेक्शन है। यही वजह है कि इन्हें बड़ी ताकत मिलती है कुछ भी बोलने के लिए। ये पीएम मोदी पर भी बोल चुके हैं। हालांकि ये वीडियो पुराना है, लेकिन राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा अब नजदीक है, तो इनका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और ये बेहद लताड़े जा रहे हैं भारत में, क्योंकि इन्होंने जिस तरह से बयान दिए, बेबुनियाद बयान दिए, बेसिर के ये बयान हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं। इन्होंने जो बयान दिया है वो हम आपको बताएंगे। ये वीडियो वायरल कब हुआ, ये वीडियो इन्होंने बनाया कब? 8 अगस्त 2020 को। 8 अगस्त 2020 को ही पीएम मोदी शिलान्यास करते हैं राम मंदिर का। जी हाँ, उसी दिन इन्होंने इतनी नफरती वीडियो बनाई, इन्हें रहा नहीं गया, इतना ये नाराज हो गए कि उसी दिन इन्होंने एक वीडियो बना दिया और उस वीडियो में ऐसा बयान दिया जो सबको हैरान कर दे रहा है, सबको परेशान कर दे रहा है और उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है। चलिए आपको बता दें कि वीडियो में इन्होंने क्या कुछ कहा है। इंडिया में जो कुछ हो रहा है और जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा अच्छा काम किया है, उनके लिहाज से अच्छा है, हमारे लिए नहीं, मगर मैं उसकी गहराइयों में जाकर बताता हूँ कि एक मस्जिद को मंदिर बनाया है। इंशा अल्लाह, मेरा ईमान है कि जो भी उस मंदिर में जाएगा वो मुसलमान बनकर निकलेगा, क्योंकि उसके अंदर हमारी जड़ें हमेशा रहती हैं। हमारे बुजुर्गों ने जहाँ कहीं भी तबलीग की है, वहां पर आपने देखा होगा कि वो चीजें वहां से जन्म लेती हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है। आपने काम तो गलत किया, मगर लोगों को समझ नहीं आएगी। इंशाअल्लाह, मेरा पूरा ईमान है रब के ऊपर कि यहीं से मुसलमानों की तजीमें उठेंगी। जावेद मियादाद का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है, उन्हें जमकर लताड़े जा रहे हैं। इनका कहना है कि वहाँ पर इनके बुजुर्गों की, जो उन्होंने इतने दिन तक उनकी पूजा पद्धति करी है, उसी वजह से अब जो हिंदू वहाँ पर जाएंगे वो मुसलमान बनकर वहाँ से निकलेंगे। ये कहना है जावेद मियादाद का। समधी हैं ये दाऊद इब्राहिम के। इस तरह से बयानबाजी देते हैं राम मंदिर के निर्माण पर। राम मंदिर में जब अब प्राण प्रतिष्ठा रामलला वहां पर विराजने वाले हैं 22 जनवरी 2024 को, उसी समय इनका वीडियो वायरल होता है, क्योंकि जिस वक्त 8 अगस्त 2020 को शिलान्यास हुआ था उसी दिन इन्होंने वही दिन चुना ये नफरती वीडियो बनाने का। तो आज अब ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, दाऊद के ये समधी बताए जाते हैं। और अब बताइए कि इनके बयान में क्या कोई वजन है? क्या इस नफरत की जो ये आग फैलाना चाहते हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्या इसमें कोई भी फैक्ट है जो ये बात कह रहे हैं? इनके इस बयान पर, इस वायरल वीडियो पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।